नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप जो है किसी भी नट को फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कूटी है और इसकी स्कूटी का हैंडल जो है बार बार ढीला हो जाता है, इसका जो नट है वो बार बार ढीला हो जाता है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी बाइक या स्कूटी का हैंडल बार बार ढीला हो जाता है, या फिर कोई ऐसी आपके पास में मशीनरी है जिसके नट बार बार ढीले हो जाते हैं, आपको उनको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो जो है बार बार ढीले हो जाते हैं, तो उसको आप जो है फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे नट को जो है सबसे पहले हम ढीला करवा रहे हैं, तो सबसे पहले इस नट को पूरी तरह से ढीला करवा के फिर थोड़ा सा इसकी सफाई करके यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं थ्रेड लॉकर को। और थ्रेड लॉकर किस तरह का होता है, क्या है, अभी आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे। तो थ्रेड लॉकर को अप्लाई करेंगे, उससे ये होगा कि ये जो नट बार बार ढीला हो जाता है, हैंडल बार बार ढीली हो जाती है, तो वो जो है लूज़ नहीं होगा, नट को लूज होने से रोकेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले कोई भी नट अगर आप टाइट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो उसको पहले खोल के अच्छे से क्लीन कर लेना है, और क्लीन करने के बाद जो है थ्रेड लॉकर को इस्तेमाल करना है, तो जो कि हम अभी इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये दोस्तों, जैसे कि स्कूटी का हैंडल वाला ये नट है, और इसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह के नट को आप फिक्स कर सकते हैं थ्रेड लॉकर से, जिसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, और जो बार बार ढीला हो जा रहा है, तो उस तरह में ये काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये है लॉकटाइट थ्रेड लॉकर 243। तो इसको जो है यूज़ करने वाले हैं स्कूटी की हैंडल वाले नट पे, क्योंकि स्कूटी का हैंडल बार बार ढीला हो जाता है, उसका नट ढीला हो जाता है। तो ये छोटा सा ट्यूब है और इसकी MRP 15 रुपये दी गई है इसमें। तो ये जो है 0.5 ml का छोटा सा ट्यूब है, और किस तरह से इसको यूज़ करना है उसके लिए इसमें दिया भी गया है किस तरह से नट पे आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिवेंट बोल्ट लूजिंग, यानी कि कोई भी बोल्ट जो है बार बार ढीला हो जाता है, तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं, और किस तरह से नट पे अप्लाई करेंगे वो भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं उस नट में जिसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो अगर आपको शॉप पे मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बोल्ट ढीला करवाया था हमने, और उसके बाद में एक कपड़े से इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद इसके ऊपर थ्रेड लॉकर को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद नट को टाइट करवाएंगे। थ्रेड लॉक कितने मिला है? ये 15 रुपये का आता है, ये तो हमारे पास यूज़ करने के आराम से। क्या होगा, मतलब हो जाए ना, ढीला नहीं होगा जल्दी दोबारा, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। काम हो गया, सूखा माल है भी यही है, बाहर निकाल के निकलना, निकल तो रहा है, पीला पीला नीला, कहाँ नीला है, गाड़ी पर वीडियो बना रहा है, सैंपल दिखाने के लिए लगा दिया बॉन्ड के तरीके। हो गया टाइट कर रहे बनाना,
सूखने के बाद टाइट हो जाता होगा। हाँ, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, इसमें जो है ट्रेड लॉक जो कि हमने नट के ऊपर अप्लाई किया है और उसके बाद में नट जो है टाइट कर देना है। तो इस तरह से नट बार बार जो ढीला हो जाता है वो ढीला नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इसको अप्लाई करना है। नट को जो है हमने कपड़े से क्लीन किया और उसके बाद में उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद नट को टाइट करवा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई व्हीकल में नट बार बार लूज हो जाता है या फिर आपकी कोई मशीनरी है जिसका नट बार बार लूज हो जाता है और आप चाहते हैं कि वो लूज ना हो, तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं। तो इसको आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, तो परचेज़ करने के लिए आप सबसे पहले अपने आसपास शॉप पे पता कर लें, वहाँ मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप इसको जो है अमेज़ॉन पे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वहाँ पे जाके, उस लिंक पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके बोल्ट लूजिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह के आइडियाज़ वाले वीडियो और भी मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।